नमस्कार दोस्तों इमित्र ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है अगर दोस्तों आप भी अपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को ऑनलाइन चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेगा इस वीडियो में हम आपको बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चेंज करने के तीन आसान तरीके बताने वाले हैं जिनके द्वारा आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चेंज करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको किसान जानकारी डॉट कॉम वेबसाइट पर आ जाना है इस वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ से भी आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने आपको वो तीन तरीके बताए हैं जिनके द्वारा आप आसानी से अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को ऑनलाइन आप चेंज कर सकते हैं पहला तरीका है एस बी मशीन के द्वारा मोबाइल नंबर चेंज करना सेकेंड नंबर तरीका है एस इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा और आप चाहते हैं एस बैंक ब्रांच में जाकर अपने बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर चेंज करवाना तो आपको एक फॉर्म भरकर अपनी बैंक ब्रांच में जमा करवाना होगा तो सबसे पहले दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे एटीएम मशीन के द्वारा एस बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चेंज किस तरह से किया जाता है तो सबसे पहले दोस्तों आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ए मशीन पर जाना है और ए मशीन पर जाने के बाद आपको ए मशीन में कार्ड को स्वाइप करना है जैसे दोस्तों आप कार्ड को स्वाइप करेंगे तो आपको देखिएगा ए मशीन में रजिस्ट्रेशन लिखावा देखने को मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन के सामने वाले बटन को प्रेस करना है और इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिएगा प्लीज एंटर योवर पिन आपको अपने एटीएम कार्ड के पिन को टाइप करना है इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिएगा आपको मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन हुआ देखने को मिलेगा आपको मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के सामने वाले बटन पर क्लिक कर देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपको न्यू रजिस्ट्रेशन और चेंज मोबाइल नंबर लिखा हुआ देखने को मिलेगा आपको सेकंड नंबर पर चेंज मोबाइल नंबर के सामने वाले बटन को दबाना है और आपको आगे बढ़ जाना है अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपको एंटर योर ओल्ड मोबाइल नंबर जो आपके बैंक अकाउंट में अभी मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है ए मशीन में और आपको क्रेक्ट के बटन पर क्लिक कर देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा री एंटर योर ओल्ड मोबाइल नंबर अब आपको एक बार फिर से अपने पुराने वाले मोबाइल नंबर को टाइप करना है और करेक्ट के बटन पर क्लिक कर देना है इसके बाद दोस्तों आप जो अपने बैंक अकाउंट में न्यू मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर आपको ए मशीन पर टाइप करना है और करेक्ट के बटन पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको एक बार फिर से न्यू मोबाइल नंबर को टाइप करना है और करेक्ट के सामने वाले बटन पर क्लिक कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर पर एक रेफरेंस नंबर और एक ओ सेंड किया गया है इस रेफरेंस नंबर और ओ को आपको छप्पन छिहत्तर छिहत्तर नंबर पर आपको सेंड करना है तो इस तरह से आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा जिसमें रेफरेंस नंबर और ओ आपको प्राप्त हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपको रेफरेंस नंबर और ओ को इस तरह से टाइप करना है और आपको अपने मोबाइल नंबर से छप्पन छिहत्तर छिहत्तर पर आपको सेंड कर देना है तो इस तरह से आप ए मशीन के द्वारा अपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चेंज करवा सकते हैं अगर दोस्तों आप चाहते हैं बैंक ब्रांच में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चेंज करवाना तो सबसे पहले आपको अपनी बैंक ब्रांच में जाना होगा और वहाँ पर आपको एक फॉर्म प्राप्त करना है फॉर्म को भरने के बाद आपको बैंक ब्रांच में जमा करवा देना है कुछ ही समय के बाद आपके बैंक कर्मचारियों के द्वारा मोबाइल नंबर को चेंज कर दिया जाएगा अगर दोस्तों आपको फॉर्म भरना नहीं आता तो आप यहाँ पर इस वीडियो को देख कर फॉर्म को भी भर सकते हैं बिल्कुल छोटा सा एक पेज का फॉर्म होता है इस फॉर्म को भरकर भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट में आसानी से अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चेंज करवा सकते हैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करेगा और हमारे चैनल ई मित्र ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेलाइकन जरूर प्रेस करिएगा जय हिंद जय भारत वंदे मातरम